नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ आपको इंग्लिश लर्निंग टिप्स मिलते हैं जो आपको डेली रीड करने होते हैं, और उसी को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो दोस्तों, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग आपके लिए लाए हैं फ्रेजेज इन इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता इंग्लिश में फ्रेजेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है। आज हम लोग 5 फ्रेजेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, फ्रेज कहा जाता है, फ्रेज इज वन दैट फॉर्म अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट विद इन अ सेंटेंस। दोस्तों, फ्रेज कहा जाता है ऐसे वर्ड्स को जो मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट क्रिएट करती हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। कई तरह की फ्रेजेज होती हैं जो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में यूज की जाती हैं, जैसे नाउन फ्रेज। दोस्तों, नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हु एट द लास्ट सैंडविच का मतलब है किसने लास्ट सैंडविच खाया था। हु एट द लास्ट सैंडविच। सो दोस्तों, यहां पर सैंडविच एक तरह की नाउन फ्रेज है। ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी ने कहा वर्ब फ्रेज, दोस्तों वर्ब फ्रेज कहलाती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब और इट्स ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, वर्ब फ्रेज या तो मेन वर्ब कंटेन करती है, मेन वर्ब से बनती है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से बनती है। जैसे अगर आपने कहा इट मे हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड, इट मे हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड का मतलब है वह शायद प्रिपेयर हो रहा था, वह शायद तैयार किया जा रहा था। सो यहां तैयार किया, रिपेयर किया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, तो रिपेयर्ड यहां पर मेन वर्ब फ्रेज है। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा एडजेक्टिव फ्रेज, दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी अ सिंगल एडजेक्टिव और ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव। ये सिंगल एडजेक्टिव भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे अगर आपने कहा इट वॉज अ वेरी बिग मील, इट वॉज अ वेरी बिग मील, वह बहुत बड़ा खाना था, तो यहां बिग जो है एक तरह का एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, जो किसी भी नाउन का गुण दर्शाता है। ऐसे ही एडवर्ब फ्रेज, दोस्तों एडवर्ब फ्रेज कैन बी अ सिंगल एडवर्ब और ग्रुप ऑफ एडवर्ब्स। दोस्तों, एडवर्ब सिंगल भी यूज हो सकती हैं और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी यूज हो सकती हैं। इनको कैसे पहचानेंगे वो जान लेते हैं। दोस्तों, एडवर्ब कहा जाता है जो किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव का मोर मीनिंग निकालते हो, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। जैसे ही स्पोक वेरी सॉफ्टली, यानी वह बोला बहुत नम्रता से, वह बहुत सॉफ्टली बोला, तो उसकी इंग्लिश होगी ही स्पोक वेरी सॉफ्टली। सो दोस्तों, यहां पर सॉफ्टली एक तरह की एडवर्ब है, वह बोला बहुत नम्रता से, तो आप कहेंगे ही स्पोक वेरी सॉफ्टली। ऐसे ही अगर आपने कहा प्रेपोजिशंस फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाती है वो वर्ड्स जो किसी प्रेपोजिशन से बनते हैं। जैसे दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, वे लोग बहस कर रहे थे पैसों के बारे में। दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट मनी। दोस्तों, यहां अबाउट प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में,
सो दोस्तों इस तरह से इन फ्रेजेस को यूज किया जाता है. आई होप यू लर्न इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन. इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. नमस्ते इंग्लिश. आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर.